देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर मानसून का आगमन हो चुका है और पूर्वोत्तर मानसून के चलते दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी। वहीं उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ है। यह सिस्टम अगले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करते हुए पश्चिमी हिमालय से होकर गुजरेगा। इसी दौरान इन राज्यों में हिमपात और बारिश भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में भी ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी। नीचे वाले इलाकों में बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में भी आज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। 2 नवंबर से मौसम की गतिविधियां कम होने लगेंगी। यह सिस्टम हिमालय क्षेत्र से आगे निकलने के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होगा, जो कि 4 नवंबर को हिमालय क्षेत्र में पहुंचेगा। इसी मौसमी प्रणाली से पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक प्रेरित चक्रवाती संचरण बनेगा। इसके साथ ही राजस्थान राज्य के ऊपर भी एक मौसमी प्रति चक्रवात सिस्टम बनेगा। इसके चलते इस बार मौसम का फैलाव तीव्रता ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इलाकों में 4 से लेकर 9 नवंबर के बीच यानी कि लंबे समय तक बारिश और बर्फबारी हिमपात देखने को मिलेगा। उत्तराखंड राज्य, जम्मू कश्मीर की तलहटी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और इसी दौरान हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यह बारिश जो कि 8 नवंबर को सबसे ज्यादा होने की संभावना है। दिल्ली में भी पूर्वोत्तर मानसून के चलते अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तीव्र मानसूनी गतिविधियां जो कि 2 नवंबर तक चलने की उम्मीद है। बारिश का यह दौर सप्ताह तक जारी रहेगा। शाम और रात के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मध्यम बारिश गरज के साथ जो कि 3 से लेकर 7 नवंबर के दौरान भी होने की संभावना है। इसी समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, पुदुचेरी, कराईकल समेत देश के कई हिस्सों में उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश हो रही है। इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान निकोबार, येनम, केरल और माहे समेत कई जगहों पर आज भी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही आज असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात होगा। उसके 2 या 3 दिन बाद बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तेज हो जाएंगी।